मेंटली वो कितने परेशान हो जाएंगी, वही बच्ची जो इस टाइम पे सब लोगों की आंखों के सामने आ रही है, वो स्लिपिंग पिल्स पकड़ के करियर्स की वजह से, आप हो आपकी वजह से व्यूअर्स नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया, नमस्त ना, वेरी गुड। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ना होते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि अवेयर करना चाहती हूँ मैं यहाँ से आज के बच्चों को और पेरेंट्स को। देखिए, नैना अकबर, सितारा जासिम की भांजी, आप लोगों ने अगर वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँचा तो मैं यहीं से आप लोगों को बता रही हूँ, एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो उन्होंने आपके साथ सब लोगों के साथ शेयर किया है, ये कहते हुए, जहाँ अपने फैमिली वालों के लिए शेयर किया होगा, ये कहते हुए कि मैं ये मतलब जो भी उन्होंने काम किया है वो गोलियां खाने वाला, समझ सकते हो, इस टाइम पर वो हॉस्पिटलाइज्ड है ना, रोते हुए वो गोलियां खा रही है। देखिए, अगर आप सच्चे थे तो नैना को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, अपने दोनों मौसियों के बीच में वो सब चीज़ें जो हैं इधर से उधर बात करने की, ठीक है, अगर नैना ने नहीं भी की हैं तो उस चीज़ के लिए वो घर में रह के बात करती, ना कि यहाँ सोशल मीडिया पर वो सब चीज़ें होती। तो यहाँ पर सलमा यासीन ने भी, जैसा कि सामने आकर रोते हुए वो चीज़ कही है कि कैसे उनको हॉस्पिटल कुछ कर ना ले, नैना डर रही थी इस बात से कि जो सितारा है वो कुछ ना कर ले, क्योंकि सलमा ने तो कर ही लिया है। ये हम लोगों को कुछ गोलमोल इसलिए बातें करनी पड़ रही है क्योंकि यूट्यूब जो है वो इजाज़त नहीं देता हमें, ठीक है। तो जी, जहाँ पर स्लिपिंग पिल्स ली है नैना ने, और ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर ऐसा ही कुछ किया था सलमा ने भी, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो है बहुत ही गलत हैं। आप बढ़ावा दे रहे हो झूठ को, आप बढ़ावा दे रहे हो गलत चीज़ों को, आप बढ़ावा दे रहे हो किसी को दुनिया जहान के लिए इनकरेज कर रहे हो। समझ में नहीं आई ये बात कि आप YouTube पर सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज़ लेकर आते हो, फिर उस सच के लिए यहाँ पर व्यूअर्स को गलत ठहरा रही थी। कल परसों के अपने एपिसोड में नैना, उसका कहना था कि जो हो गया उसके ऊपर बातें मत करिए, जो जैसा भी है फैमिली में बैठ के सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप जो है कमेंट्स अच्छे अच्छे करिए। मतलब व्यूअर्स की वजह से जिस सब चीज़ें हुई, व्यूअर्स ने कैमरे लगा रखे हैं आप लोगों के घरों पे, चाहे वो कुत्तन परी हैं, आप उंगली उनके ऊपर भी उठेंगी, ठीक है। कुछ ऐसा ही उनकी बड़की जिज्जी ने भी ये करते हुए दिखाया था, है ना, जो कि हमारी जुट्टी है ना। तो बातें ये हैं कि ये वो बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जुट्टी तो नहीं है, है ना। तो ये वो वाले बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि यहाँ भ्रम में फेक फेक दिखाकर व्यूअर्स को गलत गलत बातों के लिए उकसाकर, ठीक है, वैसे वैसे कमेंट्स करवा कर फिर बाद में मतलब उकसाएंगे, गलत दिखाएंगे। नेचुरली वो जिनको समझ है, जिनकी आंखें दिमाग खुला है, ठीक है, वो जो सोच सकता है वो वैसे ही तो कमेंट करेगा, लेकिन ये कहाँ तक, किस हद तक सही है ये बात, ये कहते हुए कि आप ये वाले कमेंट्स ना करें, ठीक है, मैंने कल भी बोला था। और किसी की लड़की की इज्जत के ऊपर तो मैंने तो खैर कभी बात की नहीं, मैं आप लोगों को भी यहाँ से कहना चाहती हूँ कि कभी किसी भी लड़की की इज्जत के ऊपर बात मत करें, क्योंकि आईने की तरह होती है लड़की की इज्जत, जिसमें बाल भी आ जाए तो सब लोग देखते हैं। ये चीज़ें मैं समझाती रही हूँ, बताती रही हूँ, लेकिन कुछ कीचड़ भरे दिमाग के लोग हैं जिनको वो बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अपनी माँ के साथ हमारी तुलना तो वो जरूर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हरकतें और बातें वो वही करते हैं जो कि शायद एक नीच से नीच इंसान की भी शायद वो सोच नहीं रहती होगी, है ना। अच्छा जी, यहाँ पर ये बात है कि नैना ने अटेम्प्ट किया वो जो चीज़ थी वो बहुत बहुत गलत है, जो कि यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू दिखाई गई है, कुछ मिनट पहले की बात है, जिसको अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है, ठीक है, वायरल की तरह वो फैल गई है, ठीक है जी। अब ये देखिए कि जिस जिसके पास वो जाएगी वीडियो, कितना गलत असर होगा, अब मेंटली वो कितने परेशान हो जाएंगे, ठीक है, वो रोती हुई बच्ची जो इस टाइम पे सब लोगों की आंखों के सामने आ रही है, वो स्लिपिंग पिल्स पकड़ के खड़ी है और खाती हुई भी नजर आ रही है, तो वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं वो ड्रामा है, लेकिन सलमा का तो मुझे लग रहा था फिर वही चीज़ ना, सब्सक्राइबर के लिए जो भी है यार, पैसे के लिए आप लोग कितना गिर सकते हो, क्योंकि झूठ की तह पे तह इतनी बन चुकी है, अगर वाकई में ये सच भी दिखाए ना तो वो चीज़ों पर यकीन नहीं कर रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है, फिर उसी हिसाब के कमेंट्स आते हैं, फिर यहाँ से नैना का हो चाहे सलमा का हो चाहे वो सितारा का, सितारा ने भी तो खैर
कभी भी अपने ऊपर गलत कमेंट्स के लिए भी नहीं बोला कि मत करिए, उसका तो कहना जो करना है करे, हम अपना जो काम करें वो करेंगे। लेकिन सलमा का और यहाँ पर नैना का कहना है कि ऐसे वाले कमेंट्स जो हैं आप मत करें, तो मैं कहना चाहती हूँ YouTube ने एक ऑप्शन दे रखा है आपको कमेंट टर्न ऑफ का। अभी भी जो शॉर्ट वीडियो है जिस पर नैना ने ऐसे अटेम्प्ट किया है, स्लीपिंग पिल्स पकड़ के उसने ऐसी वीडियोज बनाई हैं, खाते हुए भी दिखाया है, ठीक है जी, तो वो चीज़ बहुत ही गलत है। एक तो क्योंकि जो सच है ना वो कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता, उसको कभी भी किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और जो सच होता है ना वो इतना बेसहारा नहीं होता, ठीक है जी, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, और वो दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी के साथ ही झूठ के साथ लड़ता है, ना कि ऐसी हरकतें करता है, ठीक है, ये नैना के लिए है। अब ये चीज है कि कमेंट टर्न ऑफ अब इस वीडियो के भी तो हुए हैं जो कि कुछ सेकंड की है, एक शॉर्ट वीडियो, ठीक है जी, तो वहां पर सलमा जो है उनको भी इतनी नॉलेज है, 2-3 दिन से उनके एपिसोड नहीं आए हैं, तो वो भी कमेंट टर्न ऑफ कर लेती, लेकिन उनके तो सबके इनके ड्रामे ही चले जा रहे हैं। और यहाँ पर ये चीज भी है कि पूरे कुनबे के चैनल ओपन करवा रखे हैं, आप ये देखिए कि वहां पर अंकल जी सामने आते हैं, देखिए अंकल जी वर्ड मुझे यूज करना इसलिए पड़ा कि एक शादीशुदा 3 बच्चों का जो मर्द है, आदमी है, वो अपने आप को अंकल कहलाना पसंद नहीं करता, 3 बच्चों की माँ जो है जानकी सितारा जैसे, वो भी खुद को आंटी कहलाना शायद पसंद नहीं करती, बिल्कुल वैसे ही जैसे झूठी और पुतन परी 30-30, 34-34 सालों की होने के बाद भी खुद को आंटी कहलाना पसंद नहीं करती। इसमें मैं मुद्दे से नहीं हटना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि नैना के साथ साथ झूठी ने जो किया था वैसा ही ऐसा कुछ नैना ने भी किया है, जो कि बहुत बहुत गलत है, ठीक है। ये वो है कि आज के यूथ को मैसेज देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा भी कमजोर पड़े नहीं तो वहीं पे दूसरों को डराने के लिए आप ये सब चीजें करो। अभी जो है नैना इस टाइम पे हॉस्पिटलाइज्ड है, वो अपने कजन के साथ है, कुछ लोग जो है वो लाइव भी कर रहे हैं उनके लिए, तो भगवान से दुआ करें कि नैना जो है वो ठीक ठाक हो, अपने घर में हो, और नेक्स्ट जो है उसके अच्छे अच्छे व्लॉग्स आए, तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा फिर कौन कितने पानी में है और कौन कितना झूठ बोल रहा है। नैना के लिए सब लोग दुआएं जरूर से करते रहें, और अपनी फैमिली का मैं बताना चाहती हूँ, जाते जाते फिर एक बार वही ना मन हो गया है कि एक चीज ये भी क्लियर कर दूं कि जितने भी बड़े से बड़े यूट्यूबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ बांध के रिक्वेस्ट है, भैया अपने घर की पर्सनल बातें यहाँ पर सोशल मीडिया पर मत लेके आए, नहीं तो फिर उसके लिए तैयार रहें जब लोग रिएक्शन देते हैं, जब लोग रोस्ट करते हैं, जब फिर जो लोग आप लोगों को कमेंट करते हैं, फिर उस सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहा करें, क्योंकि आप लोग इन्हीं लोगों का खाते हो, ठीक है जी, ये चीज़ें आप लोग भूल जाते हो और व्यूअर्स को गंदा गलत बोलते हो, हालांकि इन व्यूअर्स की वजह से आप हो, आपकी वजह से व्यूअर्स नहीं है, ये चीज़ें आप भूल जाते हो, लेकिन डॉलर के पीछे इतने पागल हो जाते हो कि अपने ही फैमिली में एक युद्ध छिड़ जाता है, और वो युद्ध जो है जहाँ सोशल मीडिया पर टोंटिंग वे में या कैसे भी करके आप दिखाते रहते हो, और ऐसी ही कुछ चीज़ों के साथ मैं कल आऊँगी आप लोगों के साथ, और कुछ की खुलेगी यहाँ पर पोल भी, ठीक है जी। आज का वीडियो मेरा यहीं तक है, लेकिन नेक्स्ट जो मेरे वीडियो आएंगे वो आते ही रहेंगे, सच को लेकर आते रहेंगे, आज के यूथ को लेकर आते रहेंगे, आज के बच्चों को लेकर आते ही रहेंगे, न्यूली कपल को भी लेकर आते रहेंगे, क्योंकि मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, कभी भी आपके हालात कैसे भी हो, कैसे भी आपके हालात हो, लेकिन ऐसी कोशिश कभी भी गलती से ना करना जो एक बार झूठी कर चुकी है और अभी जो नैना ने करी है, ये चीज़ें सामने आई हैं। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।